हेलो फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड बने रहना मेरे आज के न्यू वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और देखिए बहुत तेज़ धूप है, हमारे सिवा चले गए हैं। तो ये मेरा घर है, ये देखिए मेरा घर है। अब हम जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों देखो कितनी तेज़ धूप है और हम अपने घर से बहुत काफ़ी दूर आ चुके हैं। देखो तो रास्ता में सब मेहंदी मेहंदी पड़ेगी और कुछ नहीं, हमारे इधर मेहंदी ज़्यादा होते ही है। भैया घम्मा छाइया है, देखो छाई आ गई है। भाई देखना कितनी तेज़ धूप आ जाएगी। अब हम सिवा हैं और आज पैदल पैदल दोस्तों हम सिवा जा रहे हैं। चलो अपने सिवा से पहले तुमको मिलवा, हमारे सिवा कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को क्या बताएंगे क्या नहीं। ये देखो हम पहले रुक जाएं थोड़ा। देखो हमारे सिवा ये हैं दोस्तों, तैयार होके घर से आए थे। आगे आगे बहुत काफ़ी दूर निखर आए, हम तो घर में भी थे और इसीलिए घर से मैंने वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों आप लोगों को पता है कुछ समस्या भी होती हैं घर से वीडियो बनाने में। सिया बोलो कहाँ जा रहे, बताओ। दवाई लेन। तो दोस्तों सिया दवाई भी यहाँ लाएंगे तो है ही, सिवा दवाई लाएंगे। सिवा के देखो कितने ज़्यादा दाने पड़े हैं, इसीलिए सिवा दवाई ली है जाके। और कहाँ जा रहे हो, पापा कहाँ हैं? दुकान पर। तो दोस्तों सिवा आपके पापा दुकान पर हैं और सिवा जा रहे हैं अपनी नई वाली दुकान पे आज। दोस्तों बहुत दिन से गए नहीं थे तो आज सिवा जा रहे हैं अपनी नई वाली दुकान पे, जहाँ सिवा के पापा ने दूसरी दुकान खोली है। दोस्तों सिवा बहुत बोल रहे थे कि हमको पापा लिवा चलो, पापा खुद भी नहीं दुकान पे, एक महीने से घर में पड़े थे। आप जा रहे हैं यहाँ सिवा, तो हम भी जा रहे हैं सिवा को दवाई लेने। दोस्तों चलो भाई। तो दोस्तों हम बहुत काफ़ी दूर आ चुके हैं अब। आप लोगों को दिखाएं, हम बारिश होती, हम बहुत काफ़ी दिन से गए नहीं हैं, बारिश होती चाला बहुत हो जाती। आप लोगों को देखो पहले हमारे इधर की रास्ता देखो कैसी है। वो तो आप लोगों को पता है कि हमारे घर से कोई खड़ंजा वड़ंजा रोड तो है नहीं, जैसे यहाँ वो सिवा मेरे घर पर है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ थोड़ी ही दूर पर हैं और बहुत ज़्यादा हमारे इधर की रास्ता ये है। दोस्तों आप लोगों को क्या बताएं, ऐसी समस्याएं तो कहीं होती नहीं, इतनी अच्छी रास्ता कहीं नहीं होती होंगी। ये देखो हमारे इधर की रास्ता है, ये यहाँ पर से हम लोग जाते हैं लेकिन उधर पानी भरा है तो हम लोग ये खेत से निखर के जाएंगे। ये देखो भैया ऐसी मजबूरी कहीं ना हो। सिवा हमारे आगे ये चल रही है, धूप बहुत तेज है। सिवा की टोपी रह गई, गरे सिवन देने ना दियो के सिवा। हाँ घामों हो जाते, छाएँ हो जाते। अगर उधर की रास्ता इतनी ख़राब है, हम लोग खेत से निखर के जा रहे हैं। अगर बताओ अगर ये खेत में कुछ होता तो कैसे हम लोग जाते निखर के? वैसे भी बहुत पानी भर जाता है, यहाँ खेत में भी भर जाता है तो हम लोग मंझा मंझा के जाते, चप्पल जो है हाथ में पकड़ना पड़ती हैं। अगर कहीं मुसीबत अचानक में पड़ जाए तो हमारे द्वारे पर ना ही गाड़ी जा पाती, ना ही मोटरसाइकिल, ना चार पहिया की कोई भी गाड़ी नहीं जा पाएंगी। वहाँ से हम लोग बहुत पैदल आते, बहुत और निखरना भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। देखो दोस्तों वैसे नेता विधायक सब लोग गए हैं वोट मांगन, चलो वोट दे दो, पर रास्तन की चिंता ना रहती है। अब हमारे पास बताओ, अब आप लोगों के यहाँ दिखाई कि हम कितनी दूर से घूम के आए। ये देखो रास्ता बिल्कुल सामने ही है पर हम लोग आए किधर से, उधर से घूम के इतना चाल फिर करके आए और इधर ये सब पानी भरा है, उधर का चाहला है। तो बहुत तेज़ धूप है, सिवा हमारे जुड़ाए लें थोड़ा फिर हम चलेंगे आगे। और देखो सिवा हमारे छाँव में बैठ गए हैं, देखिए भाई सिवा। बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही फ्रेंड, ऐसी हवा अगर घर पर लगे का हो बहुत अच्छी लग रही है। बताओ बाहर निकल के आए तब इतनी तेज इतनी अच्छी हवा चल रही। दोस्तों हमारे अगर बारिश हो गई तो बताओ हमारे इधर की कैसी रास्ता हो जाएगी, आप ही लोग बताइए कमेंट में कि कैसी होगी, अच्छी होगी या फिर नहीं होगी। आप लोगों की यहाँ ऐसी है रास्ता नहीं है ना, हम लोग बताइए। खेत में रहते हैं तो क्या कोई रास्ता नहीं बनवा सकता है? खेत में रहे या कहीं भी रहे, जहाँ हमारा ज़मीन घर होगा वहीं तो हम लोग रहेंगे, कोई के दूसरे घर में थोड़ी ना रह लेंगे। गांव में घर रहें तो कहाँ हम दूसरे के घर में रह ले बताऊँ। तो हमारा थोड़ा सा घर छोटा सा था, हम लोग बड़े परिवार में हो गए तो इसीलिए हमारे पापा ने यहाँ बनवाया घर खेतों में। बहुत लोगों के घर अकेले, मेरे ही नहीं है कि हमारा ही अकेले घर है। और आप लोगों को वहाँ दिखा नहीं सकते दोस्तों, कितनी बकरी बहुत ज़्यादा है घर, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं, सिर्फ अगर शादी ब्याह होती है। अभी शादी हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पर आने जाने में, और मार्शल जो आई थी वहाँ पे खड़ी थी, वो वहाँ से रोड है और यहाँ से वैसे ही छोरे रास्ता है। तो चले आप लोगों को हम ये भी दिखाएंगे कहाँ पर से रोड पड़ती है, कहाँ पर से हम कितनी दूर आए हैं बताओ। अभी हम पहुँच नहीं पाए, बहुत दूर से आए हैं घर से, अपने दूर तक आ चुके हैं।
वैसे नेता विधायक सब लोग चले आई हैं, वोट दे हमका, अब की बार हम रोड बनवा दे हैं, खड़ंजा डरवा दे हैं, ये कर दे, वोट ले लो तो के बाद में भूल जा सब, वोट लेवे के बाद में कोई की आदे नहीं रहा थे। कौआ देखो बोल रो आ सिवा हमारे थक गए हैं पैदल चलते चलते, कह रहे पापा के पास फोन लगाए दो पापा लिवा ले जाए दोस्तों, लेकिन पापा के पास जब गाड़ी नहीं है तो सिवा लिवामन कान से आई है। पापा बताओ सिवा। हाँ बताओ। पापा ले काली देने। अच्छा दूसरे के लिए चुप्पे देने ले आई हैं। चलो ऐसे चलो सिवा, फ्रेंड भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो सिवा को, हमारे सिवा भी हमारे गाड़ी लें जल्दी से, आप लोग उनका चैनल सपोर्ट करिएगा। तो अब हम दोस्तों पहुँचने वाले हैं रोड पे, देखो अपनी कच्ची वाली रास्ता छोड़ के आप पड़ेगा हमारे यहाँ से रोड। आप लोग बताइए कितनी दूर है अंदाज़ा लगा के कि कितनी दूर से हम लोग आए हैं। तब ये देखो ये रोड है, अब यहाँ से रोड पड़ेगा, ये देखिए कच्ची रास्ता है, बस यहाँ से हमको इतनी दूर चलना पड़ता है तब हम लोग रोड पे आ सकते हैं। आप लोगों के यहाँ ऐसी बनी है रास्ता? अच्छा बताओ, नहीं बनी है ना। और फिर जो उसको रास्ता सिधरवाते हैं, नरेगा वरेगा चलाते हैं, वो भी नहीं सही करवाते हैं, नाली वगैरह हैं सब ऐसे ही रहती हैं, कोई सही नहीं है। देखो हम लोग अब आ पाए हैं रोड पर इतनी दूर से, और चलते चलते पैदल थक जाओ, अगर पानी बरसते हाथ में चप्पल पकड़ो मुड़े पर बैग रखो तब जाके निखर के आए पाओ बाहर, सब ऐसे फैशन दूर हो जाते हैं हमारे लोगों के। तो हम लोग जा रहे हैं आज हमारी नई वाली दुकान, जहाँ पहले थी वो वाली नहीं है दोस्तों, दूसरी वाली दुकान है वैष्णवी फोटो स्टूडियो के नाम से, तो वही दुकान है पर दूसरे में है दुकान, वो वाली दुकान नहीं है हमारी दोस्तों। अब तो हमारी नई वाली दुकान का आज उद्घाटन होगा दोस्तों, मजबूरी ऐसी कुछ पड़ गई जो हमको दूसरी दुकान करनी पड़ी, अब हम कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों, बहुत सभी लोगों को ख़राब लगता है ना, पहली बार तो हम वीडियो बनाते हैं इतने ही बहुत ख़राब लगता है, लेकिन ये नहीं सोचती हैं कि वीडियो जब वो बनाती हैं वीडियो तो उनका काम यही वीडियो बनाने का है, तो वो तो बनाएंगी, लेकिन फिर भी सबको परेशानी होती है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे बने रहना वीडियो में, आप लोगों को हम दिखाएंगे कि मेरी नई वाली दुकान कहाँ पे है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरे उद्घाटन के दुकान के लड्डू खाना है तो आप लोग कमेंट में बताना, बूंदी वाले लड्डू आप लोगों को खिलाएंगे दोस्तों। देखो हम इतने आगे आगे, सिवा हमारे कितने पीछे हैं, देखो पीछे पीछे चल रहे हैं, थक गए सिवा। तो कहो करे फ्रेंड से, कहो फ्रेंड हमारा वीडियो सपोर्ट कर ले करे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले वहाँ। सिवा को हम एक गाड़ी ले दे, हमारे सिवा छोटी वाली गाड़ी को करते ले, सिवा हमारे बहुत जगह बैठे हैं थक गए, वहाँ से उतारे थे फिर ही उसे उतारने लगे बैठ के, देखो। अच्छा कहो फ्रेंड से बोलो, कुछ बोलो ना, बोलियो। तो दोस्तों हमारे सिवा बहुत कम वीडियो में अब आते हैं, क्योंकि यही कहते हैं कि मम्मी कोई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारा चैनलों नहीं सब्सक्राइब करते हैं और सपोर्टों नहीं लाइकों कमेंटों नहीं करत कर रहे हैं कि हमारा वीडियो कैसे बनाते हैं, और अब नहीं बोल रहे हैं। बहुत तेज़ थी दोस्तों धूप, हम आ चुके हैं, सिवा हमारे बाहर हैं, ये देखो दुकान में बैठे हैं, अभी पंखा वंखा आया नहीं, बहुत तेज़ गर्मी है और कुछ समस्या है दोस्तों, अब धीरे धीरे सब कुछ होगा, पंखा भी हो गया, देखिए हमारा दुकान का ये काउंटर बना है, ये देखो इतने सामान है ज़्यादा नहीं है दोस्तों अभी, और ये देखिए पूजा भी हो चुकी है हमारे दुकान में। हाँ आप लोगों को लड्डू खवाए लाओ ले दोस्तों, ये मेरी नई वाली दुकान का उद्घाटन हुआ, उसी के लड्डू हैं, आप लोग खा लीजिए दोस्तों, नहीं बाद में कहोगी निशा ने लड्डू को नहीं पूछा खाने के लिए, उद्घाटन कर दिया तो मैंने इसीलिए सब लोगों को पूछ दिया है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों जितने लोग संगी साथी इनके हैं उन्होंने बहुत अच्छी मदद की दोस्तों, कुछ भी दिया थोड़ा बहुत, फिर भी अगर गरीबी आती कोई साथ नहीं देता, फिर भी उन लोगों ने साथ दिया थोड़ा थोड़ा, जो भी है तो भी हमारे लिए तो बहुत कुछ है उनका साथ, क्या करें, और साथ तो ठोकर तो देते हैं सिर्फ अपने लोग, पर अपने लोग साथ कहाँ देते हैं, बहुत मुश्किल पड़ता है अपने लोग जो साथ दे दें, फिर भी चलो दोस्तों क्या करें, मजबूरियाँ हैं, सब कट जाएंगी दोस्तों, बस भगवान के सहारे हम लोग हैं। और ये अभी मेरा काउंटर नया बना है, ये देखो ऐसे बना है नॉर्मल, अभी जब पैसे होंगे तब अच्छा थोड़ा बन जाएगा दोस्तों, अभी काम तो चालू करना है, इसीलिए ऐसा जैसा बना वैसा बना है। और देखो अभी तो ऐसे सब दुकान पड़ी है, चलो इसके सहारे में, तो अब कुछ ये तो है कि हाँ दुकान हो गई हमारी,
कुछ 1-2 रुपये तक बहुत होते हैं। अगर कहीं 1-2 रुपये पा जाओ, उसको माथे में लगाओ, बहुत कहते हैं हमने 2 रुपये पाए हैं। बहुत लक्ष्मी बहुत प्यारी होती सबके लिए, लेकिन दोस्तों कोई पाप काटते नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ऐसे लोग होते हैं जो अपना घमंड दिखाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास घमंड बिल्कुल नहीं है, जो भी है सब भगवान के सहारे में है। हम लोग दुकान पर से वापस आ गए। हम शिवा पैदल पैदल आए, बारिश होने लगी, अरे चोट लग गई, पानी बरसन लगो तो बहुत तेज। हमने सोचे जल्दी जल्दी जाएं घर पहुंच जाए, ने चाला बहुत कस के उजे निखरे ना पे वो कि ना। शिवा देखो हमारे शिवा जा रहे हैं आगे आगे, पानी तो भरो शिवा, कैसे निखरे हो देखो आगे ही पानी पर गो आगते। ये देखो मेहंदी, हाँ मेहंदी भीजी है थी, सब साड़ी भीजी है। क्या कर रहे हैं भैया? देखो भैया ऐसा रास्ता है ही, पानी खड़ी बहुत तेज बादल है, देखो बरसीबे वालो है बिल्कुल पानी, और बरस रो है बूंदी तो देखो पर रही। हम तो भीज गए बहुत, हो से हमने घंटा खाड़ दुकान पर रुके थोड़ी देर, और हम आए गए जल्दी के वजह से पानी बरसन लोगों मेरा सामान डालो तो इसे उठाए के लिए हमको ये। चलो जल्दी जल्दी सुबह निखर चलो ना, बहुत तेज आ रो पानी उधर से, देखो बहुत तेज आ रो है पानी। भैया सनाथी नाथन में गांठी लगती हो रही है यहाँ, और ये देखो हमारे इधर ये यहीं हो रही है गांठी लगी है, इनका कोई मंदिर अंदिर है। देखो वो दानन की हो रही है गांठी लगी भैया, अब तो जगह जगह जाओ हो रही है ताँ मंदिर, सनाथी नाथन मंदिर पर जाओ तब गांठी लगा जाती है, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। पर ये दानन से मांग के मनोकामना का लिए लगाई गई कि हमारे दान अच्छे हो जाए। भैया हम आप फिर जल्दी जल्दी चलिए, बहुत तेज आए हैं तब आए पाहन, हमने सोची बरसन लगी पानी तो निखरी कैसे, पर एक बजे से जल्दी जल्दी आए हैं। अब ये देखिए मेरा घर है का, इधर की भी देखो रोड खड़ंजा कुछ भी नहीं दोस्तों, ऐसे ही बस नॉर्मल सी जिंदगी इधर कट रही है और क्या है। यहाँ घर बनो तो काम लोगों ने ग्राहत ना है खेतन में घर है, पर कोई लोगों ने फर्क ना है पत्थे खेत घर बराबर है। वैसे जहाँ तक एक घर हो चाहे दो घर हो, लाइट की व्यवस्था हो तो रोड की व्यवस्था हो तो खड़ंजा की व्यवस्था, हमारे यहाँ बहुत सारे बकरी यहाँ पर हैं इधर, और लेकिन फिर भी काय की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की है ना रोड की ना खड़ंजा की, काय की नहीं, और दानी पर दाने सब मेरे गांव में।